आज के समय का सबसे बड़ा टाइगर साइबेरियन टाइगर है, जिसकी लंबाई 11 फीट तक हो जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक ऐसे जानवर के डीएनए पर काम कर रहे हैं जो 10,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गया था, जिसे हम सेबर टूथ टाइगर के नाम से जानते हैं, और वैज्ञानिक इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या होगा अगर वैज्ञानिक इसे दोबारा जिंदा करने में सफल हो जाते हैं और इसका सामना साइबेरियन टाइगर से हो जाए, तो इन दोनों महान टाइगर्स में से किसकी जीत होगी? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इस लड़ाई का असली विजेता कौन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर बात करें सेबर टूथ टाइगर की, तो कुछ वैज्ञानिक बताते हैं ये जानवर 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। सेबर टूथ टाइगर को अपने बड़े और नुकीले दांतों की वजह से जाना जाता है, जिनका साइज 11 इंच तक हो जाता था, यानी आपकी उंगली से 4 गुना बड़े। अब सवाल ये है, ये दांत किस काम आते थे? दरअसल जब ये दांत किसी शिकार के शरीर में घुस जाते थे तो ये पूरी तरह लोक हो जाते थे, जिसके चलते शिकार का छूट पाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ है साइबेरियन टाइगर, जो आज के समय का धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा टाइगर है, और इस टाइगर की बाइट फोर्स सबसे ताकतवर है। यदि कोई शिकार इसके मुंह में फंस जाता है तो उसका छूट पाना नामुमकिन है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वजन से। सेबर टूथ टाइगर का वजन कुछ वैज्ञानिकों द्वारा 150 किलो से लेकर 280 किलो तक बताया जाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है जो सेबर टूथ टाइगर का वजन इससे 2 गुना ज्यादा बताती है, यानी 300 किलो से लेकर 480 किलो तक। इसका वजन दो तरीकों से क्यों बताया जाता है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अब हम बात करेंगे साइबेरियन टाइगर के वजन के बारे में, जो 180 किलो से लेकर 300 किलो तक हो जाता है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ है, क्योंकि साइबेरियन टाइगर हमारे बीच आज भी जिंदा है, इसलिए इनका वजन बता पाना बहुत आसान है। लेकिन सेबर टूथ टाइगर कैट फैमिली का सबसे ताकतवर सदस्य है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि इनके गर्दन की मसल्स बहुत ज्यादा ताकतवर होती थी, जो अपने शिकार को हिलने भी नहीं देती थी। लेकिन ये एक वजह से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। जब इनके फॉसिल्स पर रिसर्च की गई तो पता लगा, आज के समय की जितनी भी शेरों की प्रजातियां हैं, जिसमें विलुप्त हो चुका अमेरिकन लॉयन भी शामिल है, सेबर टूथ टाइगर की टांगे इन सबसे 15% तक मोटी होती थी, और इनकी टांगों की आउटर लेयर भी काफी ज्यादा डेंस होती थी, जिसके चलते ये आज के शेरों से बहुत ज्यादा मजबूत होती थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, साइबेरियन टाइगर की स्पेशल पावर कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, साइबेरियन टाइगर की स्पेशल पावर इसकी बाइट फोर्स है, जो सेबर टूथ टाइगर से 2 गुना ज्यादा होती है। जहां साइबेरियन टाइगर की फोर्स 1000 से भी ज्यादा PSI है, वहीं सेबर टूथ टाइगर की बाइट फोर्स 500 से लेकर 600 PSI तक होती है। लेकिन साइबेरियन टाइगर की बाइट फोर्स ज्यादा होने के पीछे का रीजन है इनके छोटे दांत, जो केवल 6-7 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। लेकिन सेबर टूथ टाइगर के दांत एक साइबेरियन टाइगर के दांतों से 4 गुना बड़े होते हैं, और ये दांत चाकू की तरह नुकीले और पैने होते हैं, जो अपने शिकार को आसानी से चीर सकते हैं। सेबर टूथ टाइगर मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन साइबेरियन टाइगर छोटे जानवरों का शिकार ही करते हैं। अगर हम रिसर्च के आधार पर फैसला करें तो साइबेरियन टाइगर के जीतने के चांस ना के बराबर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इन दोनों टाइगर्स में से कौन जीतेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।